इस घटना के पहले भी कुछ घटना हुआ लास्ट ईयर, ये तो राणा प्रताप जयंती बनाने के लिए वो लोग कोशिश किया था पिछले साल, और उसके लिए वो लोग जो ठाकुर लोग बहुत इकट्ठा करके अपने जो दलित लोगों के ऊपर अटैक किया, और उसमें जो 55 लोग एक आदमी भी मर गए हमारे उस घटना में, और उसमें हमारा जो बीमा आदमी का है ऑब्जेक्शन लगाया था, तो बीमा आदमी का क्या ऑब्जेक्शन, एक आदमी भी मर गया, बहुत लोगों को भी मार दिया पिछले साल, तो ये जयंती नहीं बनाना बोल के, लेकिन इस साल फिर दोबारा वो लोग ठाकुर लोग अप्लाई किया पुलिस परमिशन के लिए, ये फंक्शन के नहीं होना कि पहले भी हमको मार दिया बोल के हम लोग वो बीमा आदमी का ऑब्जेक्शन किया, और इसके वजह से जो ये हमला किया है लोग, तो मैं चाहता हूँ पुलिस वाले जानबूझ के ठाकुर लोगों को परमिशन दिया है, और मुझे कोर्ट पे भी परमिशन नहीं लेके तो बिना अपने से ले लिया है, तो ये इसके कारण वहाँ तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस वाला भी जुड़ा है इसके साथ, और सब मिलकर बीजेपी है आरएसएस है, और पिछले साल आप जानते हैं एक आदमी भी मर गया उस घटना में, तो अभी भी और अपने जो बीमार भी एक्टिविस्ट है तो सचिन वालिया को गोली मार के चला है, बहुत अन्याय है, तो इसके लिए तो हमारे जो साथी अशोक भारती है वो तो बहुत करते हैं, आपको मैं मैंने एक मैसेज भेजे पूरा कंट्री को धंधा करना और भारत बंद करना बोल के जो करे, और उसके भारत बंद में भी हम लोग हमारे लोग था कम से कम 13 लोग उनको मार दिया है, और भोपाल में आप जानते हैं भोपाल में ग्वालियर कहते थे ग्वालियर में 7 आदमी को जो राजा सिंह चौहान गोली चला के उसको जय राम बोल के जय श्री राम बोलता है एक आदमी को मारते हैं, जय श्री राम बोलते एक आदमी को मारते बहुत, लेकिन आज तक बीजेपी गवर्नमेंट किसी को भी अरेस्ट नहीं करा, चाहे सचिन अपने जो सचिन वालिया को जिसने गोली चलाया उसको भी नहीं पकड़ा है, और किसी को भी अरेस्ट नहीं किया, ये बहुत अन्याय है। अरे आज के सवाल है हमारे पास जो किसी इंडिया में वो लोग हमको टारगेट कर दिए, पर्टिकुलरली दलित और मुस्लिम को भी टारगेट कर दिया, माइनॉरिटी अरे लोगों को हमको इस देश से भगाने के लिए, जैसे पहले जो बुद्धा को लोगों को टारगेट करके सबको भगा दिया, और ऐसे इस देश में मूल निवासी लोग हम लोग हमको भी भगाने के लिए सारे कुछ कर रहे हैं लोग, और उसको ब्रेक करना चाहिए, हम लोग कुछ करना चाहिए, कि हमारे साथ जय अशोक भारती जी है और हम उनके साथ चलेंगे, और क्या विचार है आप भी बताएंगे, और सुविधा जी है वहाँ से कुछ जाके आए वो भी कुछ बताएगा अभी क्या है वो कैसे हो रहा है क्या कुछ सिचुएशन कैसे है बोल के, तो मैं सुविधा को अनुरोध करता हूँ अभी आप सहारनपुर में जाके आए, सहारनपुर में क्या है क्या हुआ कैसे हुआ थोड़ा आप हमको बता दीजिए। सुमेधा जो है कल सहारनपुर में थी, अंत्येष्टि में थी सचिन की, और कल रात को 11 बजे वहां से लौटी, 11 बजे चलते तो 11 बजे तक वहीं पे थी, तो मैं ये चाहता हूं कि सहारनपुर के जो हालात हैं उसके बारे में सुमेधा जी जो है आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे दें, उसके बाद फिर सुमेधा जी। सभी साथियों को जय हिंद। साथियों जैसे कि आपको पता है कि एक साल पहले 5 मई को सहारनपुर में जो
ठाकुरों ने कुड़दंत मचाया था, दलितों के घर जलाए थे, मतलब वो महाराणा प्रताप की जयंती कहीं और मना रहे थे, लेकिन हमला करने हमारी बस्तियों में आए और उसमें हमारे जो समाज के भाई हैं उन्हीं को पीटा, हमारे घरों को फूंका और हमारे क्या नाम है दलित समाज की जो बाइक थी उनमें से पेट्रोल निकाल के जब घर फूंका और घर फूंकने से तो धुआं उठा, धुएं के वक्त धुएं की घुटन से एक लड़का मारा गया था, लेकिन हमारे तो हजारों घर जलाए फूके, कई लाखों का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई नहीं की। उसके बावजूद मामला वहां खत्म नहीं किया और ठाकुर समुदाय इंतजार करने लगा कि हम लोग कब दोबारा बदला लें। तो इस 5 मई को एक प्लानिंग के तहत क्या किया उन्होंने, सचिन वालिया की हत्या कर दी, जो कि वो परसों की है ना, हाँ परसों की है। तो मतलब उस घटना को ही वो सोच रहे थे कि हमें कैसे बदला लेना है, ये दलित समुदाय बहुत आगे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। तो उसकी मौत को लेकर कई लोगों ने नई नई कहानियां बताई, अपर कास्ट के जो लोग हैं जो पुलिस वाले हैं उन्होंने नई नई कहानियां बताई कि भाई वो अपने घर में सफाई कर रहा था और सफाई करते वक्त अपनी बंदूक से उसकी मौत हो गई। लेकिन हम लोग जब उसके घर पहुंचे, घर के हालात देखे, तो पता चला कि वहां आईडी वाले दो व्यक्ति आए, उन्होंने चाय बनवाई कमल वालिया के घर पे, चाय पीने के बाद उन्होंने सचिन को बोला कि हमें बाहर तक छोड़ क्या। बाहर वो छोड़कर आए, आईडी वाले अपना अलग चले गए और वहीं दुकान पे कुछ लेते रह गए या उन्होंने अपना मोबाइल चार्ज कराया। और उसी बीच में बाइक पे कुछ लोग आए और सीधा गोली मार दी। उस बाइक पे कोई नंबर नहीं था और किसी के चेहरे ना मालूम हो इसलिए सबने मुंह भी ढका हुआ था। महाराणा प्रताप की जयंती वो लोग निकाल रहे थे, हाथों में नंगी तलवारें थी, हथियार थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं रोका। बावजूद पुलिस को पता है कि 1 साल पहले यहाँ जो हादसा हुआ उसको लेकर पुलिस को गंभीर होना चाहिए था कि दोबारा कोई ऐसी बात ना हो जाए, लेकिन जो हमें लगा कि कहीं कहीं प्रशासन इसमें शामिल था, क्योंकि अगर प्रशासन शामिल नहीं होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। वही जयंती बनाई जा रही है, वही यात्रा निकल रही है और वही ये हादसा हो गया है, ये कैसे हो गया, सोचने वाली बात है। तो साथियों, जब जब दलित आगे बढ़ा है ऐसे हादसे लगातार ये समुदाय अपर कास्ट वाले करते रहे। मैं आपको बताना चाहूंगी, हरियाणा में एक केस में मैं गई थी जहाँ दलित को घोड़ी के ऊपर चढ़ने से उतार दिया गया और गांव के लोगों के ऊपर गोलियां चलाई और ये कहा गया अब हम लोग जो है घोड़ी पे नहीं बैठेंगे, घोड़ी तो जो है गंदी होगी, चमारों ने इस घोड़ी को छू दिया, अब हम लोग जो है हाथी पे बैठेंगे। तो मानसिकता इन लोगों की ऐसी है और जब से SC ST एक्ट खत्म किया है तब से तो रोज दलितों को पीटा जा रहा है। शायद ही कोई गांव ऐसा होएगा जहां दलित को घोड़ी पे चढ़ने को लेकर बारात निकाली जा रही है, वरना अब तो ये भी कह दिया कि दलित खुद लेकर दे कि मुझे तो है इजाजत दी जाए घोड़ी पे चढ़ने की, मेरी बारात कहां से निकली। तो ये लगातार घटनाएं घट रही है, तो कैसे इसको लेकर हम मुकाबला करें ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है साथियों। और उसी को लेकर हम लोगों ने 20 तारीख का एक
प्रदर्शनी रखा है दिल्ली के संसद मार्ग पे, और सभी से निवेदन है कि इस आंदोलन को हम पूरी मजबूती के साथ आगे लेकर जाएं, और दलित समाज के ऊपर जो घट रहा है इस तरह की घटनाएं उनको जो है उभरने ना दें, उसको लेकर आवाज बुलंद।